आज हम सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में सपोर्ट एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टेंट ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड टाइप टू कोलेजन इज, ए ऑप्शन है हमारे पास बोन, बी ब्लड, सी कार्टिलेज एंड डी ऑल ऑफ देम। कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कैरोटिनॉइड्स में टाइप टू कोलेजन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज में एपिग्लॉटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज, ए हाइलिन, बी इलास्टिक, सी फाइब्रो एंड डी नन ऑफ देम। सेकेंड एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलास्टिक होता है एपिग्लॉटिक्स, हमारे पास कार्टिलेज की एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास एक इलास्टिक है। थर्ड एमसीक्यूज में है कि 30% मैट्रिक्स ऑफ अ बोन इज कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, चीफली ए प्रोटीन, बी कोलेजन, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ देम। कि 30% मैट्रिक्स हमारे पास बोन में होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में होते हैं, तो उसमें हमारे पास ज्यादातर प्रोटीन होता है या फिर कोलेजन्स होता है। तो थर्ड एमसीक्यूज में हमारे पास दोनों होते हैं, 30-30% हमारे पास दोनों प्रोटीन एंड कोलेजन दोनों पाए जाते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज में है कि 70% मैट्रिक्स ऑफ अ बोन इज कम्पोज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, चीफली ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी सोडियम, सी पोटाशियम एंड डी बाइकार्बोनेट। के 70% मैट्रिक्स हमारे पास बोन में होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, चीफली कौन से सॉल्ट होते हैं हमारे पास, तो फोर्थ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादातर होते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज में है कि इनिशियली द बोन इज फॉर्म्ड बाय, बोन हमारे पास बनता कैसे, इनिशियल पॉइंट इसका क्या होता है, ए ऑस्टियोसाइट, बी ऑस्टियोक्लास्ट, सी ऑस्टियोब्लास्ट एंड डी ऑल ऑफ देम। तो फिफ्थ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास होते हैं। सिक्स में हमारे पास है डी डर्मलाइजेशन ऑफ अ बोन रीअब्सॉर्प्शन इज कैरिड बाय, ए ऑस्टियोक्लास्ट, बी ऑस्टियोब्लास्ट, सी ऑस्टियोसाइट्स एंड डी कैरोटिनोसाइट्स। जब हमारे पास बोन की रीअब्सॉर्प्शन होती है, बोन दोबारा से बन रहे होते हैं, तो उस फॉर्म का हम क्या कहते हैं। सिक्स एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास है। सेवंथ एमसीक्यूज में बोन आर फ्यूज्ड विद ईच अदर इन एन एडल्ट, ए 134, बी 124, सी 144 एंड डी 154। जब हमारे पास बोन फ्यूज्ड हो जाते हैं तो एन एडल्ट फॉर्म में, तो हमारे पास कितने बोन्स होते हैं फ्यूज्ड होने से पहले, तो सेवंथ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, 144 हमारे पास बोन होते हैं, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है 144। एट एमसीक्यूज में है एक्सोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड, के हमारे पास एक्सोस्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम होता है और दूसरा क्या है, ए फोरआर्म, बी पेक्टोरल पेल्विक ग्लैडर, सी पेक्टोरल ग्लैडर एंड डी रिब्स। तो एट एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिब्स। नाइन्थ एमसीक्यूज में है स्कल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ बोन्स, ए 18, बी 28, सी 8 एंड डी 6। तो ह्यूमन में हमारे पास बोन्स, स्कल में, ह्यूमन स्कल में हमारे पास कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो कितने बोन बनते हैं मेड अप ऑफ बोन्स, तो नाइन्थ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 बोन्स होते हैं। टेंथ एमसीक्यूज में है कि मसल फाइबर्स आर द कैलेंड्रोसाइट अनब्रांच्ड विद डायमीटर ऑफ ए 10 to 18 मीटर, बी ऑप्शन है 20 to 60 मीटर, सी ऑप्शन है 10 to 100 मीटर एंड डी 10 to 60 मीटर। तो टेंथ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 to 100 मीटर बोन्स होते हैं हमारे पास, अनब्रांच डायमीटर है मसल फाइबर्स की। इलेवंथ में है बोन्स आर हेल्ड टूगेदर विद ईच अदर एंड आर ज्वाइंट बाय ए, बोन हमारे पास जब बन जाती हैं टुगेदर एक जो, और जॉइंट जब उसके साथ बनते हैं, तो ए मसल्स उसे हम कहते हैं, बी टेंडन, सी लेगामेंट एंड डी स्मूथ मसल्स। तो इलेवंथ एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेगामेंट। टेंडन जो बोन टू बोन अटैच्ड हो, लेगामेंट बोन टू मसल्स हमारे पास अटैच्ड हो। 12th एमसीक्यूज में है कॉक्सेस फॉर्म्स विद विच पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ए फर्स्ट, बी मिडल, सी लास्ट एंड डी नन ऑफ देम। तो कॉक्सेस जो है वो हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 एमसीक्यूज में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यू द ब्रस्ट ऑफ मैन, तो हमारे पास जो ब्रस्ट ऑफ मैन, ए टार्सल, बी मेटाटार्सल, सी कार्पस एंड डी मेटाकार्पस। तो 13 एमसीक्यूज में ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो ब्रस्ट मैन का पोर्शन जो होता है उसे हम कार्पल भी कहते हैं। 14 एमसीक्यूज में है द क्रीनियम इन विच मैन कंसिस्ट ऑफ बोन, ए 6, बी 7, सी 8 एंड डी 9। तो क्रीनियम बोन हमारे पास कितने होते हैं, 14 एमसीक्यूज में ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8। 15 एमसीक्यूज में है डैश पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम द रिब केज इन मैन, ए 10, बी 12, सी 13 एंड डी 11। तो रिब केज इन मैन हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। 16 एमसीक्यूज में है कि वर्स्ट ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ डैश ए कॉर्पल, बी मेटाकॉर्पल, सी एचएम एंड डी स्केपुला। जब हमारे पास वर्स्ट ऑफ मैन कहां से होता है 16 एमसीक्यूज में, ए कॉर्पल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 एमसीक्यूज में है कि विच ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स कंट्रेक्शन, कौन सा हमारे पास डायरेक्ट मसल्स कंट्रक्शन में एनर्जी में हेल्प करते हैं। हमारे पास ए एटीपी, बी कैरेटिनिन फॉस्फेट, सी लैटिक एसिड एंड डी बोथ ए एंड बी। 17 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट कि एटीपी और कैरेटिनिन फॉस्फेट दोनों हेल्प करते हैं। 18 एमसीक्यूज में हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे पास स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या चेंजेस होती हैं। द आई बैंड शॉर्टन, द आई बैंड ए बैंड शॉर्टन, द आई बैंड शॉर्टन, द जेड लाइन स्लाइड फर्दर अपार्ट, द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। 18 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ए बैंड हमारे पास शॉर्ट हो जाते हैं। 19 एमसीक्यूज में है थिन फिलामेंट इन मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ ए एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, बी हमारे पास है जेड लाइन, सी क्लोराइड आइंस एंड डी सार्कोमियर। तो 19 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट कि थिन फिलामेंट्स इन मायोफाइब्रिल्स में हमारे पास एक्टिन की, ट्रोपोमायोसिन की एंड ट्रोपोनिन की जरूरत होती है। 20 एमसीक्यूज में है इन द मिलेनियम स्केलेटन देयर इज अ डिस्टेंस सिनोवियल जॉइंट बिटवीन द, कि हमारे पास मिलेनियम स्केलेटन होते हैं तो उनका डायरेक्ट कौन सी ज्वाइंट के, सिनोवियल ज्वाइंट के दरमियान कौन सा दूसरा बोन होता है। ए हमारे पास है बोन ऑफ द क्रीनियम, बी ह्यूमरस ऑफ ह्यूमरस एंड अल्ना, सी सैक्रम और इलियम, डी स्टर्नम एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो 20 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूमरस एंड अल्ना हमारे पास होता है। 21 एमसीक्यूज में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ एक्सोस्केलेटन, कौन सा हमारे पास एक्सोस्केलेटन का बोन है, ए रिब्स, बी शोल्डर ब्लैडर, सी पेल्विक एंड डी फीमर। 21 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिब्स। 22 में है वर्टेब्रल कॉलम इंक्लूड्स ए सैक्रम, बी कॉक्सिक, सी सर्वाइकल थोरेसिक एंड लंबर वर्टेब्रा एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो वर्टेब्रल कॉलम में हमारे पास जो ज्यादातर इंक्लूड होते हैं वो सारे होते हैं, सैक्रम, कॉक्सिक, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टेब्रा, ये वर्टेब्राज हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। 23 एमसीक्यूज में है इन मैमल देयर द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा आर ए नो डेफिनेट नंबर, बी 7, सी 11, डी वेरियस विद द साइज ऑफ द नेक। 23 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट कि हमारे पास नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7 है। 24 एमसीक्यूज में है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए क्रेनियम, बी स्कल, सी ऑर्बिट्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो 24 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रेनियम हमारे पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। 25 एमसीक्यूज में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मसल्स फैटिग, किसकी वजह से मसल्स हमारे पास थक जाते हैं, ए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, बी लैटिक एसिड एक्युमुलेशन, बी हमारे पास फॉर्मिक एसिड एंड डी इथाइल अल्कोहल। 25 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 एमसीक्यूज में है कि कार्डिक मसल्स आर ए वोलेंट्री, बी इनवोलेंट्री, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ देम। कार्डिक मसल्स हमारे पास इनवोलेंट्री होते हैं जो कि हमारे पास इख्तियार में नहीं होते। 27 एमसीक्यूज में है द डिसऑर्डर इन विच बोन्स आर पोर्स एंड थिन बट बोन कम्पोजिशन नॉर्मल इज ए ऑस्टियोमेलाइका, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी रैकेट्स एंड डी अर्थराइटिस। 27 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28 में हमारे पास द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग ऑल बट, कि हमारे पास ऑर्गेनिकली जो बोन मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, ए टेंसिल स्ट्रेंथ, बी हार्डनेस, सी टू रिसिस्ट स्ट्रेथ एंड डी फ्लेक्सिबिलिटी। 28 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। 29 में है द रिमोल्डिंग ऑफ बोन्स इज अ फंक्शन ऑफ, बोन्स की जब रिमोल्डिंग होती है तो वो किसका फंक्शन है, ए केराटिनोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट्स, बी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, सी कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, डी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो 29 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट का हमारे पास ये फंक्शन है रिमोल्डिंग ऑफ बोन। 30 एमसीक्यूज में है इन स्केलेटल मसल्स कैल्शियम फैसिलिटेट कंट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू ए ट्रोपोमायोसिन, बी ट्रोपोनिन, सी एक्टिन एंड डी मायोसिन। 30 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ट्रोपोनिम। 31 एमसीक्यूज में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न द रिजल्ट इन कैल्शियम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज करेक्ट, कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कैल्शियम का रोल हमारे पास ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में ज्यादा होता है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ए ऑप्शन है द माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ स्टोर ऑफ कैल्शियम फॉर द कंट्रोल टाइट प्रोसेस। बी है हमारे पास कैल्शियम एंट्री अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट इन स्टिम्युलेटिंग कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। सी अराइज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम अलाउज एक्टिंग टू इंटरैक्ट विद मायोसिन एंड डी ऑल ऑफ दीज। 31 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, अराइज ऑफ इंटरसेलुलर कैल्शियम अलाउ एक्टिंग टू इंटरैक्ट विद मायोसिन। 32 एमसीक्यूज में है द फंक्शन ऑफ द टी ट्यूब्यूल इन मसल्स कंट्रैक्शन इज टू, कि टी ट्यूब्यूल का हमारे पास फंक्शन क्या है। ए मेक एंड स्टोर ग्लाइकोजन, बी रिलीज कैल्शियम इन द सेल्स इंटीरियर एंड देन पिक अप इट टू अगेन। सी हमारे पास है मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप इन टू द मसल सेल, डी टू हम्पर द नर्व इम्पल्स। 32 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेक द एक्शन पोटेंशियल डीप इन टू द मसल सेल्स। 33 एमसीक्यूज में है द साइट्स वेयर द मोटर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू द स्केलेटल मसल सेल मेम्ब्रेन्स आर द ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बी सार्कोमियर, सी मायोफिलामेंट्स एंड डी जेड डिस्क। तो हमारे पास मोटर नर्व इम्पल्स जो ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व्स एंडिंग की तरफ, तो वो कौन सी स्केलेटल मसल्स पे, तो वो कौन सी साइड पे होगी। 33 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के थ्रू होगा। 34 में है मायोग्लोबिन हैज स्पेशल फंक्शन इन मसल्स टिश्यू, मायोग्लोबिन का हमारे पास फंक्शन क्या है स्पेशल जो कि मसल्स में हमारे पास होता है। ए ऑप्शन है इट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, इट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इट होल्ड हैज रिजर्व सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स एंड डी नन ऑफ देम। 34 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट होल्ड अ रिजर्व सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल। 35 में है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी रिजल्ट इन, कि हमारे पास बॉडी में लो लेवल होता है देन हमारे पास क्या होगा। ए टेक्टिनस, बी टेंडेनी, सी कॉर्पस एंड डी ऑल ऑफ दीज। 35 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 एमसीक्यूज में है कि राइटर क्राफ्ट फर्स्ट अफेक्ट एन इंडिविजुअल बाय इनहिबिटिंग देयर एबिलिटी टू ए स्पीक, बी राइट, सी वॉक एंड डी मूव। तो 36 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट से इनकी एबिलिटी बिल्कुल लॉस हो गई थी। 37 में है ऑस्टियोक्लास्ट आर ए मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल्स, बी हमारे पास है मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स, सी विदाउट न्यूक्लियर एंड डी नन ऑफ देम। 37 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, मल्टी न्यूक्लियोटाइड है ऑस्टियोक्लास्ट। 38 एमसीक्यूज में है कार्टिलेज मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ए कोलेजन टाइप 1 कोलेजन, बी हमारे पास है टाइप 2 कोलेजन, सी है बोथ ऑफ टाइप्स एंड डी हमारे पास नो कोलेजन। तो 38 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैट्रिक कार्टिलेज मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टाइप 2 कोलेजन। 39 एमसीक्यूज में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड बॉन्ड, कौन सा हमारे पास अनपेयर्ड बॉन्ड है। ए पैराइटल, बी टेम्पोरल, सी मेलिकुलस, डी मैंडिबल। 39 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैंडिबल। 40 में हमारे पास है हाउ मेनी इंडिविजुअल बॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट बॉन्स, 206 बॉन्स, ये तो हर किसी को पता है। 41 एमसीक्यूज में है कि बॉन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय, बॉन्स हमारे पास हेल्ड होते हैं ड्यूरिंग टेंडन लेगेमेंट या फिर बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। 41 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेगेमेंट। 42 में है स्पोनोडलाइसिस इज आल्सो नॉन हेज सेक्टिका, बी स्प्रेन, सी स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड डी डिस्क स्लिपर। तो 42 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। 43 में है इफ द बोन्स एंड परमिट द स्किन एंड फॉर्म्स अ वॉन्ड द फ्रैक्चर इज अ सिंपल फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या ऑल ऑफ दीज। 43 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंपाउंड फ्रैक्चर हमारे पास होगा। 44 में है इंजरी टू अ लिगामेंट इज कॉल्ड ए जॉइंट डिसकोलोकेशन, बी स्प्रेन, सी शियाटिका एंड डी एथराइटिस। तो 44 एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्प्रेन।